दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सच चुका है आईपीएल का मंच। पूरी दुनिया की नजरें हैं ओपनिंग मुकाबले पर। गुरु और चेले धोनी और पांड्या की भिड़ंत में पार होने वाली है रोमांच की सभी हदें। 2022 का बदला लेने के लिए तैयार है माही की पलटन। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा आईपीएल का ऐतिहासिक पहला मुकाबला? कितने बजे से होगी इसकी शुरुआत? एक दूसरे को धूल चटाने के लिए क्या है धोनी और पांड्या का मास्टर प्लान? उनकी प्लेइंग 11 के साथ साथ इस महा मुकाबले से जुड़ी एक एक लाइव अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि चेन्नई, गुजरात और मुंबई में सबसे खतरनाक फ्रेंचाइजी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मात्र चंद घंटे इंतजार में महेंद्र सिंह धोनी के सामने नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। पूरी दुनिया की नजरें केवल इन दोनों ही खिलाड़ियों के टिकी होंगे। एक बार फिर आईपीएल के सफर में 2 महीनों के भीतर एक साथ 74 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें धोनी, रोहित, विराट समेत दुनिया भर के सितारों से भरी हुई 10 फ्रेंचाइजी एक दूसरे से लोहा लेते हुए नजर आने वाली है। आपको बता दें, महीनों से क्रिकेट फैंस को आईपीएल का इंतजार था और अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और बहुत जल्द क्रिकेट का रोमांच चरम पर छाने वाला है। आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला, 4 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहली बार में ही आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने वाली गुजरात टाइटंस के बीच होने जा रहा है। दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच भी मुकाबला जबरदस्त होता है, जहां आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई के लिए साल 2022 किसी बुरे सपने की तरह था। तो उन्होंने आईपीएल के अंत में पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर अपना कब्जा जमाया था। वहीं गुजरात के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था और खेले गए 2 मुकाबलों में दोनों में चेन्नई को हार नसीब हुई। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स ने आईपीएल 2022 में अपना जलवा बिखेरा था। चेन्नई को अपने दोनों मुकाबलों में हराने के साथ ही पहली बार में ही गुजरात आईपीएल की चैंपियन बन गई थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। तो वहीं दोस्तों, अपनी पुरानी हार का बदला लेने के साथ साथ चेन्नई को 5वीं बार चैंपियन बनाने की राह से महेंद्र धोनी निकल चुके हैं। जी हां, 31 मार्च को आईपीएल का पहला मैच गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। यह मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है, जो गुजरात का होम ग्राउंड भी है। यहाँ एक बार फिर रनों की बारिश होने के साथ साथ विकेटों के उड़ने का शोर हमें बहुत जल्द सुनाई देने वाला है। अभी से इस महा मुकाबले के लिए लोगों का जोश देखते ही बनता है और स्टेडियम पूरी तरह से हाउसफुल हो चुका है। कई दिनों पहले ही उसके टिकट समाप्त हो चुके, ऐसे में अब आपको स्टेडियम में जाने का मौका न मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद आप इसका रोमांच बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जी हाँ, इस महा मुकाबले का लुत्फ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। वहीं यदि आप इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों, फैंस के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मुकेश अंबानी इस बार आईपीएल का प्रसारण जियो सिनेमा पर मुफ्त करने वाले हैं, जो फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं रहने वाला। जहां गुजरात की कमान एक बार फिर हार्दिक के कंधों पर रहने वाली है, तो साल 2022 में काफी उठापटक के बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को अपने आखिरी आईपीएल में लीड करने के लिए तैयार है। बात करें दोनों टीमों की, तो कोई भी किसी से कम नहीं है। शेर पर सवा शेर गुजरात और चेन्नई एक से बढ़कर एक सितारों से भरी हुई है और उनकी प्लेइंग 11 भी निश्चित हो चुकी है। आपको बता दें, गुजरात के लिए शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया में शामिल हुए केस की ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के साथ डेविड मिलर और खुद हार्दिक पांड्या विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर मैदान में उतरेंगे। हालांकि पहले मुकाबले में मिलर की अनुपस्थिति में मैथ्यू वेड प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी राहुल तेवतिया के साथ साथ राशन खाद के कंधों पर है, जिन पर गेंद और बल्ले दोनों से विरोधी टीम को चकनाचूर करने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं गेंदबाजी विकल्प के रूप में भारतीय टीम के तुरुप के इक्के मोहम्मद शमी के साथ अलजारी जोसेफ ने हार्दिक पांड्या को बहुत उम्मीदें दी हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 2 भारतीय सितारे और साई किशोर के साथ विजय शंकर अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को चकित करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दोस्तों, चेन्नई के लिए ऋतुराज और डेविन कॉनवे की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। टॉप मिडिल ऑर्डर में अंबाती रायडू के साथ ऑलराउंड बेन स्टोक्स और खुद महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार हैं। तो ऑलराउंडर्स के रूप में चेन्नई के पास सबसे खूंखार खिलाड़ी मौजूद है, जहां मोइन अली के साथ रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे पर गेंद और बल्ले दोनों से तबाही मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान राजवर्धन हंगरकर और दीपक चहल संभालते हुए नजर आएंगे। स्पिन व जड्डू के साथ महेश तीक्ष्णा भी एक अहम भूमिका निभाते हुए हमें दिखेंगे। जी हां दोस्तों, पहले मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार होने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगले मुकाबले में गुरु और चेले, हार्दिक और धोनी के भिड़ंत में कौन बनेगा विजेता? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।